हे एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला। मेरा नाम है आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और डीएसएसबी जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है आपको, जिसमें मैंने बॉटनी सिलेबस स्टार्ट किया है। ठीक है, और अब तक बैक्टीरिया और वायरस कंप्लीट कराया जा चुका है और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए गए हैं। और आज एल्गी का लास्ट क्लास है। इससे पहले जितनी भी एल्गी के सिलेबस में जितना भी टॉपिक था वो इससे पहले का सारा कवर कराया गया है। आज हम बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में और ब्राउन एल्गी के बारे में और उसके इम्पॉर्टेंट जेनरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे हम एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, आज एल्गी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फंजाई। ठीक है, उसके बाद फंजाई के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइकेन को, क्योंकि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों का कंपोजिशन होता है, इसलिए मैं लाइकेन को बाद में डिस्कस करूँगी जब फंजाई कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के बारे में। इससे पहले हम लोग एल्गी का क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी और उनके जितने भी जेनरा थे उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ब्राउन एल्गी से। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि ये फ्री कोर्स चल रहा है तो पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, तो पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वहाँ पर सारी प्रीवियस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। बात करते हैं सबसे पहले फियोफाइसिक की, ठीक है, जिसको ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक, तो कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी। ठीक है, रेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स। ठीक है, जो ब्राउन एल्गी है उसका जो थैलस होता है उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सिंपल तरीके का भी स्ट्रक्चर शो कर सकता है और सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स पैरेन्काइमेटस फॉर्म भी देखने को मिलते हैं ब्राउन एल्गी के थैलस में। ठीक है, दे इंक्लूड हेटरोट्राइकस फॉर्म्स जो कि एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उसमें हेटरोट्राइकस टाइप का थैलस देखने को मिलता है, ये क्या होता है आगे बात करेंगे। उसके बाद मल्टी एक्सियल कंस्ट्रक्शन फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक्सिस होते हैं, इस तरीके का भी थैलस देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी में। यूनी एक्सियल मतलब सिंगल एक्सिस वाला स्यूडो पैरेन्काइमेटस फॉर्म भी देखने को मिलता है। उसके अलावा पैरेन्काइमेटस फॉर्म भी देखने को मिलता है जो कि लैमिनेरिया और फ्यूकस में पाया जाता है। ठीक है, तो लैमिनेरिया और फ्यूकस में पैरेन्काइमेटस टाइप का थैलस देखने को मिलता है। ठीक, उसके अलावा एक एल्गी है पोस्टेल्सिया पामीफॉर्मिस, ये एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ अ मिनीएचर ट्री एंड इज कॉमनली नोन एज सी पाम। ठीक है, ये जो एल्गी है पोस्टेल्सिया पामीफॉर्मिस ये ब्राउन एल्गी है। ठीक है, और अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक छोटे से ट्री जैसा दिखाई देगा। ठीक है, छोटे से पेड़ जैसा देखने में लगता है और इसको कॉमनली सी पाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए नाम याद रखिएगा। द प्लांट बॉडी इन द मेंबर्स ऑफ लैमिनेरियल्स एंड फ्यूकल्स इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू होल्ड फास्ट स्टीम लाइक स्टिप्स एंड फ्लैट एंड लीफ लाइक ब्लेड्स। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी की खास बात क्या है? अभी तक हम लोग जितनी भी एल्गी पढ़े उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला कि उसमें जो है स्टीम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा हो और पत्तियों जैसा लीफ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा हो। तो जो ब्राउन एल्गी होता है उसमें स्टीम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको स्टिप कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक फ्लैट लीफ जैसा पत्तियों जैसा भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको ब्लेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इस तरीके का स्टेम जो है स्टिप और ब्लेड्स और होल्ड फास्ट के फॉर्म में किसका थैलस जो है किस एल्गी का थैलस डिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में होल्ड फास्ट देखने को मिलता है, स्टिप और ब्लेड्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ब्राउन एल्गी की बहुत सारी स्पीसीज में एयर ब्लैडर भी पाया जाता है। ठीक है, और एयर ब्लैडर की वजह से ये पानी के ऊपरी सतह पर तैर सकते हैं। ठीक है, द टिश्यू ऑफ द स्टिप एंड ब्लेड आर डिफ्रेंशिएटेड इंटू एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल मेडुला। ठीक है, जो स्टिप और ब्लेड है ब्राउन एल्गी का
वो किससे बना होता है? एपिडर्मिस से, कॉर्टेक्स से और सेंट्रल मेडुला से बना होता है उसका टिश्यू, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ थैलस इज एपिकल, इंटरकैलरी और ट्राइकोथैलिक, ठीक है। जो थैलस में ग्रोथ देखने को मिलता है ब्राउन एल्गी के, वो एपिकल ग्रोथ भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है और ट्राइकोथैलिक भी हो सकता है, ठीक। सेल वॉल की बात करें तो ब्राउन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंशिएट होता है आउटर म्यूसेलेजिनस लेयर में और इनर सेलुलोजिक लेयर में, ठीक है। तो जो सेल वॉल है वो जो आउटर लेयर होता है सेल वॉल का वो म्यूसेलेजिनस लेयर होता है जो कि एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड से बना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का एरिया है, जो ब्राउन एल्गी है उसके आउटर सेल वॉल में एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और इनर लेयर जो है सेलुलोज से बना होता है, ठीक। एल्जिनिक एसिड इज ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनेरिया, सर्गैसम एंड एस्कोफाइलम, ठीक है। एल्जिनिक एसिड का कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, कमर्शियली यूज़ किया जाता है, और ये लैमिनेरिया, सर्गैसम और एस्कोफाइलम से ऑब्टेन किया जाता है जो कि ब्राउन एल्गी है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी स्मॉल वैक्यूल्स एंड दीज वैक्यूल्स आर लेटर कॉल्ड फ्यूकोसन वेसिकल्स, ठीक है। ब्राउन एल्गी के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये बाद में जब मैच्योर होते हैं तब इनको कहा जाता है फ्यूकोसन वेसिकल, ठीक है। द क्रोमैटोफोर्स आर एलिप्सॉइडल एंड डिस्कॉइड, ठीक है। जो क्रोमैटोफोर्स पाया जाता है जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस करता है एक एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में जो क्रोमैटोफोर्स होते हैं वो उनका जो शेप होता है वो एलिप्सॉइडल भी हो सकता है और डिस्कॉइड भी हो सकता है, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल ए, सी बीटा एंड सी कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में क्रोमैटोफोर्स में पाए जाते हैं पिगमेंट्स, और जो मेन पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए, सी बीटा कैरोटीन एंड सी कैरोटीन, ठीक है। उसके अलावा जैंथोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। बट जो ब्राउन कलर मिलता है, जो ब्राउन एल्गी है उसको जो ब्राउन कलर मिलता है वो मिलता है फ्यूकोजैंथीन से, ठीक है। ये जो फ्यूकोजैंथीन है ये ब्राउन पिगमेंट है और ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में, जिसकी वजह से जो क्या बोलते हैं फियोफाइसिन एल्गी है उसको ब्राउन एल्गी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूकोजैंथीन ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्रोमैटोफोर हैज सिंगल स्टार्क्ड प्रोजेक्टेड एंड नेकेड पाइरेनॉइड्स, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का जो क्रोमैटोफोर होता है उसके अंदर एक सिंगल स्टार्क प्रोजेक्टेड और नेकेड पाइरेनॉइड पाया जाता है, ठीक। स्टोरेज प्रोडक्ट इज लैमिनेरिन एंड डी मैनिटॉल, ठीक है। स्टोरेज प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ब्राउन एल्गी का जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है लैमिनेरिन और डी मैनिटॉल। मेनली जो लैमिनेरिन है वही स्टोरेज प्रोडक्ट है, ठीक है, तो लैमिनेरिन याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मैथड, ठीक है। तीनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ब्राउन एल्गी शो मच वेरिएशन इन देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्राउन एल्गी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे कि ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस भी हो सकता है और ऊ गैमस टाइप का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स जो है बाई फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब एक गैमेट में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन मोस्ट ब्राउन एल्गी फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इसका मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, मतलब अगर ये प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर ही होगा, ठीक है, प्लांट के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो होगा इसको इंटरनल कहेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है, मतलब प्लांट बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जो है एनवायरमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कि अगर ब्राउन एल्गी जो है पानी में पाया जा रहा है तो जो गैमेट्स होंगे वो पानी में होंगे, मेल और फीमेल दोनों, और ठीक है फ्यूज़ करेंगे और फर्टिलाइजेशन करके वो जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है जो कि प्लांट बॉडी के अंदर ना होकर के बाहर एनवायरमेंट में होता है, तो उस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल। तो ज़्यादातर ब्राउन एल्गी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। दिस लाइफ साइकिल मे बी आइसोमॉर्फिक, हेटरोमॉर्फिक और डिप्लॉन्टिक, ठीक है। लाइफ साइकिल में भी काफ़ी वेरिएशन होता है, जैसे कि
ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है, आइसो मतलब होता है सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जो है सेम हो सकती है, तो आइसोमॉर्फिक होगा। अब किसकी मॉर्फोलॉजी, गैमिटोफाइट की और स्पोरोफाइट की, ठीक है। जो प्लांट बॉडी होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब कि बोल सकते हैं डिफरेंशिएट होता है। तो एक स्टेज जो आती है उसको गैमिटोफाइट कहते हैं, और प्लांट की जो दूसरी स्टेज होती है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, ठीक है। गैमिटोफाइट में गैमिट्स बनते हैं और स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल होती है उसमें गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो मॉर्फोलॉजी होगी वो सेम होगी, आप बाहर से नहीं बता सकते देख के कि ये गैमिटोफाइट है या स्पोरोफाइट है। हेटरोमॉर्फिक में डिफरेंट होती है, गैमिटोफाइट डिफरेंट दिखेगा आपको और स्पोरोफाइट डिफरेंट होगा उसका स्ट्रक्चर, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये गैमिटोफाइट है या फिर स्पोरोफाइट है। और डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि एक एल्गी अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम टाइम डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, और केवल कुछ ही एक कंडीशन, एक दो कंडीशन ऐसे शॉर्ट टाइम के लिए आएगा जब वो हैप्लॉयड कंडीशन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में ये तीनों तरीके का लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एटोकार्पस की, जो कि ब्राउन एल्गी का एक जेनरा है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो एक्टोकार्पस को डिवीज़न फियोफाइटा में रखा गया है, क्लास है फियोफाइसी, ठीक है। ऑर्डर है एक्टोकार्पल्स, फैमिली है एक्टोकार्पेसी, एंड जीनस है एक्टोकार्पस, ठीक है। ऑकरेंस, एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज़ है ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि इसकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो लगभग हर जगह ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। ये ग्रो करती हैं लिटोरियल एंड सुप्रा लिटोरियल रीजन्स में। दे आर एपिफिटिक, एपिजोइक और एंडोफिटिक, ठीक है। तो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है क्योंकि ये कहीं भी ग्रो कर लेती हैं, जैसे कि ये एपिफिटिक भी हो सकती हैं, मतलब प्लांट्स के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं, एल्गी के ऊपर भी ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा ये एपिजोइक भी हो सकती हैं, जैसे कि एपिजोइक का मतलब होता है कि जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो कर जाए उसको एपिजोइक कहते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल के भी ऊपर ग्रो कर सकती हैं। उसके अलावा एंडोफिटिक भी होती हैं, मतलब प्लांट्स के अंदर, एंडो मीन्स होता है अंदर, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी ये ग्रो कर जाती हैं तो ये एंडोफिटिक भी होती हैं, ठीक है। ये इनका अकरेंस है। ग्रोथ की बात करें तो जो थैलस होता है वो डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट में, एक होता है प्रोस्टेट पार्ट और दूसरा होता है इरेक्ट, ठीक है। तो जो प्रोस्टेट पार्ट होता है वो एपिकल ग्रोथ से होकर रहा होता है, और इरेक्ट पार्ट में इंटरकैलरी ग्रोथ होता है, ठीक। थैलस की बात करते हैं तो थैलस इज हेटरोट्राइकस। हेटरोट्राइकस थैलस क्या होता है, ऐसा थैलस जो कि डिफरेंशिएट हो दो दो तरीके के सिस्टम में। पहला सिस्टम जो है प्रोस्टेट होगा जो कि रेजोइडल सिस्टम बनाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो इरेक्ट ब्रांच सिस्टम होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ये थैलस है, तो ये हो गया प्रोस्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोस्टेट पार्ट जो कि रेजोइडल पोर्शन है, ये अटैच करके रखता है एक पूरे एल्गी को, पूरे प्लांट को किसी सबस्ट्रेटम से, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इरेक्ट पोर्शन है, ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो थैलस होता है जो कि डिफरेंशिएट होता है दो तरीके के स्ट्रक्चर में, उसको हेटरोट्राइकस टाइप का थैलस कहते हैं, जो कि एक्टोकार्पस में देखने को मिलता है। द प्रोस्टेट सिस्टम इज क्रीपिंग ब्रांच्ड एंड थैलस रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो प्लांट को अटैच करके रखने का काम करता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। ये क्रीपिंग भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इंटू एन आउटर जिलेटिनस लेयर मेड अप ऑफ एल्जीन एंड फ्यूकॉइडिन एंड इनर सेलुलोज लेयर, ठीक है। तो सेल वॉल का जो आउटर जिलेटिनस लेयर होता है वो एल्जीन से बना होता है और फ्यूकॉइडिन से बना होता है एक्टोकार्पस में, ठीक है। क्रोमेटोफोर्स आर डिस्कॉइड और बैंड शेप्ड, ठीक है। एक्टोकार्पस का क्रोमेटोफोर डिस्कॉइड या फिर बैंड शेप्ड होता है। पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन एंड जैंथोफिल्स, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म कंटेन्स सम वैक्यूल्स विथ पॉलीफिनॉल एंड दीज वैक्यूल्स फंक्शन लाइक लाइजोजोम, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में लाइजोजोम देखने को मिलता है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ब्राउन एल्गी है एक्टोकार्पस, उसके भी साइटोप्लाज्म में कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके अंदर पॉलीफिनॉल भरा होता है,
ठीक है। और ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनका फंक्शन जो है एनिमल में पाए जाने वाले लाइजोजोम के जैसा ही होता है, ठीक है। थैलस का स्ट्रक्चर देखिए, ये है एक्टोकार्पस, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोस्टेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि राइजोइडल सिस्टम बनाता है, ठीक है। और ये सबस्टेटम से अटैच करके रखता है पूरे एल्गी को, और ये इरेक्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये है थैलस का स्ट्रक्चर जिसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ये फिलामेंट है, ठीक है, ये भी फिलामेंट है, फिलामेंट की ये सब ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये सब ब्रांचेज हैं। और इसमें ये यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया और ये है प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजिया। ये जो है ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया का टाइप है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो है स्पोरेंजिया बेयरिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके थैलस में, और ये एक सिंगल सेल है एक्टोकार्पस का जिसमें सेल वॉल पाया जा रहा है, अंदर है साइटोप्लाज्म, उसके बाद क्रोमेटोफोर पाया जा रहा है, और क्रोमेटोफोर के अंदर एक सिंगल पायरेनॉइड पाया जा रहा है, ठीक है, जो कि नेकेड होता है, स्टॉक्ड होता है एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक्टोकार्पस का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो एक्टोकार्पस में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। पहले बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स की हेल्प से होता है, ठीक है। द स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड प्लांट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जू स्पोर से होता है, जो कि बाई फ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है। स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर को कंटेन करके रखने वाली जो प्लांट बॉडी है उसको हम स्पोरोफिटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक जो प्लांट है वो डिप्लॉयड होता है, और ये दो तरीके का स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पहला है यूनिलॉक्युलर जू स्पोरेंजिया, और दूसरा है प्लूरीलॉक्युलर और न्यूट्रल जू स्पोरेंजिया, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया होता है ये हैप्लॉयड जू स्पोर बनाता है, ठीक है। यूनिलॉक्युलर से हैप्लॉयड टाइप के जू स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि प्लूरीलॉक्युलर जो होता है जू स्पोरेंजिया उससे डिप्लॉयड टाइप के जू स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फिर ये जर्मिनेट करते हैं एंड देन एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनआइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है। तो क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ये तीनों तरीके से, तीनों में से किसी भी तरीके से जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट मोस्ट स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर एनाइसोगैमस, ठीक है। ज़्यादातर स्पीसीज जो एक्टोकार्पस की हैं वो एनाइसोगैमस तरीके से ही रिप्रोड्यूस करती हैं। एनाइसोगैमी में भी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, शायद आया भी है, कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी क्या होती है या किस में देखी जाती है, या फिर मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाइसोगैमी क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर जो जो फीमेल गैमिट है उसकी साइज जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, और जो मेल गैमिट होता है उसकी साइज जो है काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो गैमिट होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, और इसमें दो फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी, ठीक है। तो ये जो है एनाइसोगैमी है। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी क्या होती है। तो जो अब आप देख रहे हैं बाहर से इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो डिफरेंस है उसमें, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और ये काफ़ी स्मॉल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिफरेंस हुई ना, तो इस तरीके की जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आता है तो उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है। लेकिन अगर दो गैमिट हों, उन दोनों की साइज लगभग इक्वल हो, मतलब देखने में वो बाहर से एकदम एक जैसे दिखें, ठीक है, लेकिन अंदर से जो है उनका फिजियोलॉजी जो है चेंज हो, एक जो है मेल का फिजियोलॉजी रखे और एक फीमेल की फिजियोलॉजी रखे, ठीक है, तो इस तरीके के जो गैमिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, ठीक है। तो एक्टोकार्पस में जो एनाइसोगैमी होती है वो फिजियोलॉजिकल भी होती है और मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। और गैमिट्स की बात करें तो गैमिट्स आर फॉर्म्ड इन प्लूरीलॉक्युलर गैमिटेंजिया, ठीक है। गैमिट्स जो होते हैं ये प्लूरीलॉक्युलर गैमिटेंजिया में बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैमिटेंजिया है, गैमिट्स बनेंगे गैमिटेंजिया में, और स्पोर्स बनते हैं जू स्पोरेंजिया में, ठीक है। इन सम स्पीसीज टू टाइप्स ऑफ गैमिटेंजिया आर प्रोड्यूस्ड, द मेगा
गैमेटेंजिया एंड माइक्रोगैमेटेंजिया। मेगा मीन्स होता है लार्ज बड़ा, और माइक्रो मीन्स होता है छोटा, ठीक है। तो दो तरीके की गैमेटेंजिया देखने को मिलती है कुछ स्पीसीज़ में। जो मेगा गैमेटेंजिया होता है उसमें जो गैमिट्स बनते हैं वो उनकी साइज काफ़ी लार्ज होती है, और जो माइक्रो गैमेटेंजिया होता है उसमें जो गैमिट बनते हैं उनकी साइज स्मॉल होती है, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस स्पीसीज, तो ऐसे स्पीसीज जो कि फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस शो करते हैं, एनाइसोगैमी शो करते हैं, उनमें जो फीमेल गैमिट होती हैं वो शटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस स्पीसीज में जो फीमेल गैमिट्स पाई जाती हैं वो कहीं जा करके एक जगह स्थिर हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये सिक्रीट करते हैं एक वोलाटाइल सेक्सुअल अट्रैक्टेंट जिसको कहा जाता है साइरेनिन, ठीक है। ये फीमेल क्या करती हैं, फीमेल गैमिट एक जगह सेटल डाउन होंगी और एक वोलाटाइल जो है केमिकल सिक्रीट करेंगी जो कि सेक्सुअल अट्रैक्टेंट होता है, जो कि मेल गैमिट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसका नाम है साइरेनिन, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साइरेनिन सिक्रीट करती हैं जो कि क्या करता है, मेल गैमिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एंड देन फ्यूज़न होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सम अनफ्यूज्ड फीमेल गैमिट्स हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट पार्थेनोजेनेटिकली एंड दे फॉर्म हैप्लॉयड फिलामेंट्स, ठीक है। कुछ फीमेल गैमिट जो हैं अनफ्यूज्ड भी रह जाती हैं, ठीक है, जो मेल गैमिट के साथ फ्यूज़ नहीं करती हैं, तो इनके पास एबिलिटी होती है कि ये जो है पार्थेनोजेनेटिकली ही जर्मिनेट कर जाएँ, ठीक है, और ये हैप्लॉयड फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जायगोट नहीं बनता, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन नहीं आती, ये हैप्लॉयड ही होती हैं, तो ये जर्मिनेट करके एक हैप्लॉयड फिलामेंट का फॉर्मेशन करती हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो एक्टोकार्पस में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। इन एक्टोकार्पस बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है उनकी मॉर्फोलॉजी देखने पे, आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, ठीक है। याद रखिएगा एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो देखिए ये एक्टोकार्पस है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लूरीलॉक्युलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया से होता है, ठीक है। यूनिलॉक्युलर हैप्लॉयड जो स्पोर बनाएगा और प्लूरीलॉक्युलर जो है डिप्लॉयड जो स्पोर बनाता है, और फिर जर्मिनेट करके ये एक एक्टोकार्पस का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया, यहाँ पे यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया नहीं होगा, प्लूरीलॉक्युलर गैमेटेंजिया होगा जो कि नहीं सॉरी ये सही है यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है। इसमें होता है, इस यूनिलॉक्युलर स्पोरेंजिया में ही मेयोसिस होता है जिसके बाद ये हैप्लॉयड जू स्पोर्स बनाता है, ठीक है, और ये जू स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद ये एक्टोकार्पस बनाते हैं जो कि गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब ये गैमेटोफाइट जो है इसके पास गैमेटेंजियम होगा, ठीक है, जो कि गैमेट्स रखते हैं कंटेन करके, तो मेल गैमेटेंजियम जो होगा वो मेल गैमिट बनाएगा, ठीक है, और जो फीमेल गैमेटेंजियम होगा वो फीमेल गैमिट बनाएगा, ठीक है। फिर ये मेल और फीमेल गैमिट जो है फ्यूज़ करते हैं और फिर जायगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉयड होता है, और फिर ये जायगोट जो है जर्मिनेट करता है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और स्पोरोफिटिक बॉडी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, इसीलिए इस तरीके का जो लाइफ साइकिल होता है उसको आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रेड एल्गी की, ठीक है, जो कि क्लास है रोडोफाइसी, जिसको कॉमनली रेड एल्गी कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट रेड एल्गी आर ब्यूटीफुल सॉफ्ट एंड स्लाइमी एंड द थैलस रेंजेस फ्रॉम सिंपल यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स मल्टी एक्सियल फॉर्म। ज़्यादातर जो रेड एल्गी होती हैं वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं, सॉफ्ट और स्लाइमी होती हैं, ठीक है। एंड जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स मल्टी एक्सियल फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर पैक्टिक एंड इनर सेलुलोजिक लेयर, ठीक है। तो अंदर की लेयर जो है कॉमन है, सेलुलोज की बनी है लगभग सारी एल्गी में, लेकिन जो आउटर लेयर है
वही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में जो आउटर लेयर था वो फ्यूसिनिक एसिड और एल्जीनिक एसिड से बना था, जबकि रेड एल्गी का जो सेल वॉल है उसमें आउटर लेयर किससे बना है, पैक्टीन से बना है, ठीक है। पैक्टिक लेयर होता है और इस पैक्टिक लेयर में भी जो है मेनली क्या होता है, अगार प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो म्यूसिलेजिनस मटेरियल है आउटर पैक्टिक लेयर का वो मेनली अगार कंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। द सेप्टा बिटवीन द एडजेसेंट सेल हैव पिट कनेक्शन, ठीक है। दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो है पिट कनेक्शन पाया जाता है जो कि दो सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो पिट कनेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिट कनेक्शन किस एल्गी में पाया जाता है, तो ये रेड एल्गी रोडोफाइसी में देखने को मिलता है, ठीक। देयर इज मच वेरिएशन इन द शेप साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन दिस एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी में शेप साइज और न्यूक्लियाई के नंबर में भी जो है वेरिएशन देखने को मिलता है। द प्रिमिटिव फॉर्म्स हैव अ सिंगल स्टीलेट क्रोमेटोफोर विथ अ सेंट्रल पायरेनॉइड, बट इन एडवांस्ड फॉर्म्स देयर आर मेनी डिस्क्वाइड एंड पेराइटल क्रोमेटोफोर्स विदाउट एनी पायरेनॉइड, ठीक है। जो प्रिमिटिव फॉर्म्स है रेड एल्गी में, जो प्रिमिटिव रेड एल्गीज हैं उनमें एक सिंगल क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें पायरेनॉइड जो है सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एडवांस टाइप का एडवांस रेड एल्गी है उनमें बहुत सारे डिस्क्वायर्ड शेप में और पेराइटल क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें पायरेनॉइड जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रिमिटिव फॉर्म में पायरेनॉइड पाए जाते हैं जबकि एडवांस फॉर्म में पायरेनॉइड्स जो है एब्सेंट होते हैं। द पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए डी एल्फा एंड बीटा कैरोटीन जैंथोफिल एंड बिली प्रोटीन्स। तो आपको याद ये रखना है कि रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल डी, उसके अलावा बिली प्रोटीन्स जो कि हैं आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने ब्लू ग्रीन एल्गी देखा होगा क्लास, तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो मेन पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन। रेड एल्गी में क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर आर है तो हो जाएगा रेड एल्गी और अगर सी है तो हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको सी और आर देखना है, बाकी ये नाम तो सेम है रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो मेन पिगमेंट जो है वो हो जाएगा क्लोरोफिल डी और आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है, ये रोडोफाइसी का मेन पिगमेंट है। द सेल कंटेन ऑर्गेनिल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम, ठीक है। तो सेल्स में जो ऑर्गेनिल होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया डिक्टियोसोम्स ये सारे ऑर्गेनिल जो है पाए जाते हैं। स्टोरेज प्रोडक्ट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेड एल्गी का जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च अकर्स आउटसाइड द क्रोमेटोफोर इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्रोमेटोफोर के बाहर ये फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। मेनी रेड एल्गी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन देयर सेल वॉल, ये खास बात है रेड एल्गी की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किस एल्गी में कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रेड एल्गी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेड एल्गी में एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का उनके सेल वॉल के ऊपर, ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोज रेड एल्गी विच हैव द हायर रेट ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑल्सो हैव द हाइएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसी रेड एल्गीज जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन जितना ज़्यादा होता है उस रेड एल्गी में फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा है कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज मेनली बाई ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन ऑफ थैलस ओनली इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स, जो प्रिमिटिव एल्गी हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, केवल उन्हीं रेड एल्गीज में वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन मेथड देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन में, नहीं तो जो एडवांस टाइप के हैं उनमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लेनो स्पोर्स सच एज मोनोस्पोर्स फाउंड इन बट्रैकोस्पर्मम, न्यूट्रल स्पोर्स, कार्पोस्पोर्स एंड टेट्रास्पोर्स, ठीक है।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के एप्लेनोस्पोर से होता है. एप्लेनोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि मोनोस्पोर जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि बटरैकोस्पर्मम में पाया जाता है. उसके अलावा न्यूट्रल स्पोर्स, कार्पोस्पोर और टेट्रास्पोर से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है रेड एल्गी में. नॉन मोटाइल मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्मेशिया. ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको स्पर्मेशिया कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको प्रोकार्प कहा जाता है रेड एल्गी में, ये भी याद रखिएगा. अब हम बात करते हैं बटरैकोस्पर्मम की, जो कि रेड एल्गी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनरा है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है. ठीक है, डिवीजन रोडोफाइटा है, क्लास है रोडोफाइसी, ऑर्डर है निमेलियोल नेल्स, फैमिली है बटरैकोस्पर्मेसी, जीनस है बटरैकोस्पर्मम. ठीक, अकरेंस बटरैकोस्पर्मम जो है ये फ्रेश वाटर रेड एल्गा है, जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है. सम स्पीसीज आर फाउंड अटैच्ड टू स्टोन्स इन स्विफ्ट फ्लोइंग एसिडिक वाटर ऑफ रिवर्स. ठीक है, रिवर में जहाँ पे एसिडिक वाटर पाया जाता है, ठीक है, वहाँ के पत्थरों पे भी कुछ रेड एल्गी की स्पीसीज जो है अटैच्ड होती हैं, वहाँ पे भी ग्रो करती हैं अटैच होकर. ठीक है, मोस्ट स्पीसीज ऑफ बटरैकोस्पर्मम आर एनुअल, बट बटरैकोस्पर्मम वैगम, ठीक है, ये याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है, ये पेरेनियल स्पीसीज है. ठीक है, बट ज़्यादातर जो बटरैकोस्पर्मम है ये एनुअल होती हैं, मतलब इनकी पूरी लाइफ साइकिल एक साल में अगर कंप्लीट हो जाए तो ऐसी एल्गी को हम एनुअल कहते हैं, और अगर एक साल से ज़्यादा लगता है समय तो उसको पेरेनियल कहते हैं. ठीक है, तो बटरैकोस्पर्मम वैगम जो है पेरेनियल स्पीसीज है. थैलस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मेच्योर थैलस जो है ये ब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट होता है और जिलेटिनस होता है. ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी होती है, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और इनका कलर जो है ब्लू ग्रीन भी हो सकता है, वायलेट कलर के भी हो सकते हैं और रेड कलर के भी हो सकते हैं. इनका कलर जो होता है कैसे डिफाइन होता है, द कलर ऑफ द थैलस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अवेलेबल. ठीक है, ये ब्लू ग्रीन कलर, वायलेट और रेड कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी की लाइट इनको मिल रही है. ठीक है, तो उसके हिसाब से इनका कलर हमें देखने को मिलता है. द थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड एन इरेक्ट सिस्टम. ठीक है, इनमें भी जो थैलस होता है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएट होता है. प्रोस्टेट ब्रांचेस एंकर द थैलस टू द सबस्ट्रेटम एंड ब्रांचेस ऑफ द इरेक्ट सिस्टम फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर. ठीक है, जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं वो थैलस को जो है एंकर करके अटैच करके रखती हैं सबस्ट्रेटम से, जबकि जो ब्रांचेस है इरेक्ट सिस्टम की वो पानी में जो है फ्रीली जो है तैर रही होती हैं. द थैलस इज़ यूनी एक्सियल. जो थैलस होता है बटरैकोस्पर्मम का ये यूनी एक्सियल होता है, मतलब सिंगल एक्सिस होती है. ठीक है, द एक्सिस इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड ग्रोज बाई अ डोम शेप्ड एपिकल सेल. ठीक है, जो थैलस का मेन एक्सिस होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है नोड्स और इंटर नोड्स में. ठीक है, और एपिकल सेल, डोम शेप्ड एपिकल सेल से इसकी ग्रोथ होती है. From the nodes of the main axis, two types of lateral branches develop. ठीक है, जो nodes होती हैं main axis की, वहाँ से दो तरीके के lateral branches जो हैं develop होती हैं. एक है branches of limited growth, मतलब ऐसी lateral branches जिनमें limited growth होता है, और दूसरी जो है वो unlimited growth वाली branches होती हैं. बट जो limited growth वाली branches हैं, ठीक है, उनमें बनता है एक structure जिसको glomerule कहते हैं. ठीक है, ये जो glomerule है यही इसके अंदर ही सिक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं. ठीक है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे. द सेल्स ऑफ द थैलस आर यूनी न्यूक्लिएट विथ सेवरल डिस्क्वायर्ड क्रोमेटोफोर्स. ठीक है, जो थैलस होता है उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बहुत सारे डिस्क्वायर्ड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं. क्रोमेटोफोर इज सराउंडेड बाई डबल लेयर्ड वॉल. ठीक है, क्रोमेटोफोर में डबल लेयर की वॉल पाई जाती है एंड मेन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए डी आर फाइको एरेथ्रीन एंड आर फाइको साइनिन. ठीक है, मेन पिगमेंट जो होगा वो आर फाइको एरेथ्रीन एंड आर फाइको साइनिन होगा. ठीक है, और उसके अलावा क्लोरोफिल डी, जबकि ए जो है कॉमन है. ठीक है, तो जो कि सारे एल्गी में पाया जाता है. आर फाइको एरेथ्रीन मास्क द ग्रीन कलर कम्प्लीटली और पार्शियली ऑफ एल्गा. ठीक है, जो आर फाइको एरेथ्रीन होता है इसका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि ये ग्रीन कलर के पिगमेंट को कम्प्लीटली या फिर पार्शियली मास्क कर लेता है, जिसकी वजह से हमें रेड कलर ही दिखाई देता है, ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता है. रिजर्व फूड मटेरियल क्या है,
फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, तो बटरेकोस्पर्मम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोनोस्पोर से होता है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया आपको कि मोनोस्पोर से जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल, वो बटरेकोस्पर्मम में देखने को मिलता है। दीज मोनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द कंट्रेंसिया स्टेज। कंट्रेंसिया स्टेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो जो मोनोस्पोर्स होते हैं ये कंट्रेंसिया स्टेज में पाए जाते हैं बटरेकोस्पर्मम के, एंड ऑन जर्मिनेशन अगेन गिव राइज टू कंट्रेंसिया स्टेज, ठीक है। और ये मोनोस्पोर्स कंट्रेंसिया स्टेज से ही डेवलप होते हैं, उसी में बनते हैं, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करके ये कंट्रेंसिया स्पेसीज बनाते हैं, सॉरी कंट्रेंसिया स्टेज फिर से बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस जुवेनाइल स्टेज गिव राइज टू अडल्ट बटरेकोस्पर्मम प्लांट, ठीक। और ये जो कंट्रेंसिया स्टेज है ये एक जुवेनाइल स्टेज है, अर्ली स्टेज है प्लांट का, एल्गी का, ठीक है। और जब ये डेवलप करता है खुद को तो ये एक अडल्ट बटरेकोस्पर्मम प्लांट बनाता है, ठीक है। ये है असेक्सुअल मेथड। अब बात करते हैं सेक्सुअल मेथड की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एडवांस्ड ओगैमस टाइप होता है, ठीक है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्पर्मेटेंजिया या फिर एंथेरिडिया कहा जाता है, और फीमेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कार्पोगोनिया कहते हैं, ठीक है। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है फ्यूज़ करते हैं, कहाँ पे, बेसल पोर्शन में, जो कार्पोगोनियम होता है, जिसमें जो कार्पोगोनियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके बेस पे, ठीक है, इसके निचले पोर्शन पे, बेसल पोर्शन पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जो है फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर सीन इन द बटरेकोस्पर्मम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं किस एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेड एल्गी में देखने को मिलता है, बटरेकोस्पर्मम में, ठीक है। ये क्वेश्चन का एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ट्राईफेजिक हैप्लोबियोन्टिक टाइप होता है, ठीक है। ट्राईफेजिक, ट्राई मीन्स थ्री, फेजिक मीन्स फेज, और हैप्लोबियोन्टिक मैं आगे बताती हूँ आपको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्ट्रक्चर देख के आप समझ पाएंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से। ट्राईफेजिक का मतलब सब पता चल रहा होगा कि इसमें तीन फेजेस देखने को मिल रहे होंगे इसकी लाइफ में, इसीलिए ट्राईफेजिक कहा जा रहा है। और हैप्लोबियोन्टिक क्यों कहते हैं ये मैं आपको इस स्ट्रक्चर में बताऊंगी, ठीक है। ये लाइफ साइकिल है बटरेकोस्पर्मम की, ये देखिए ये बटरेकोस्पर्मम है, ठीक है, जो कि हैप्लोइड है, ठीक। उसके बाद इसमें इसके थैलस में बना ग्लोमेरुल, ठीक है, जो कि सेक्स स्ट्रक्चर बियर करके रखता है। सबसे पहले ग्लोमेरुल बना, ठीक है, जिसके पास एंथेरिडिया है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, और कार्पोगोनिया है, ठीक है, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथेरिडिया से बना स्पर्मेशियम, ठीक है, हैप्लोइड है, और कार्पोगोनियम से बनता है एग, ठीक है। फिर ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद क्या बना, जाइगोट, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। अब जाइगोट में होता है मेयोसिस, मेयोसिस के बाद बनता है कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। जाइगोट जो था डिप्लॉयड था, लेकिन मेयोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर बना वो है कार्पोस्पोरोफाइट, जो कि हैप्लॉयड है, ठीक है। अब इस कार्पोस्पोरोफाइट से बनता है कार्पोस्पोर, ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट होता है, उसके बाद ये बनाता है कंट्रेंसिया स्टेज, ठीक है। तो कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके बनाता है कंट्रेंसिया स्टेज, जो कि हैप्लॉयड है। अब इस कंट्रेंसिया स्टेज में बनता है मोनोस्पोर, ठीक है, जो कि हैप्लॉयड होता है, और ये मोनोस्पोर जर्मिनेट करता है और फिर से बटरेकोस्पर्मम बनाता है, जो कि हैप्लॉयड है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे ये बटरेकोस्पर्मम है, ठीक है, जो कि हैप्लॉयड है। अब यहाँ पे ये गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब ये बनाएगा ग्लोमेरुल और इससे बनेगा सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिससे बनते हैं गैमेट्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक फेज है जो कि गैमेटोफिटिक फेज है, ठीक है, और ये है हैप्लॉयड, ठीक है। ये इतना है गैमेटोफिटिक फेज जो कि है हैप्लॉयड। फ्यूज़न के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना जो कि है डिप्लॉयड, ठीक है, ये दूसरा फेज। उसके बाद मेयोसिस के बाद अब ये कार्पोस्पोरोफाइट, ये इतना जो है स्पोरोफिटिक फेज है, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोफाइट बन रहा है कार्पोस्पोरोफाइट, ये पूरा स्पोरोफिटिक फेज है, लेकिन ये भी जो है हैप्लॉयड है, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड फेज, ये हैप्लॉयड फेज, और बीच में जो है डिप्लॉयड फेज। तो इस तरीके की जो लाइफ साइकिल होती है जिसमें दो हैप्लॉयड फेज
और एक है डिप्लॉयड फेज आता है। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं हैप्लोबियोन्टिक, ठीक है। और तीन फेजेस हैं, ठीक है, और दो हैप्लॉयड और एक डिप्लॉयड फेज आ रहा है। तो इस तरीके का जो लाइफ साइकिल है उसको ट्राई फेजिक हैप्लोबियोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है, जो कि बटरेकोस्पर्म में देखने को मिलता है। ठीक, तो बटरेकोस्पर्म कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने सारी जितनी भी तरीके की रेड एल्गी हमें सॉरी जो एल्गी पढ़नी थी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है एल्गी एज ए फूड, मतलब एल्गी जो है फूड के भी रूप में यूज़ किया जाता है। इन कोस्टल रीजन सीवीड्स, जिसको एल्गी भी कहते हैं, ठीक है, एल्गी को कॉमनली सीवीड्स कहा जाता है, आर यूज्ड फॉर ह्यूमन फूड फ्रॉम एंशियंट टाइम, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से जो है ह्यूमन फूड के रूप में बहुत सारी एल्गी को यूज़ किया जाता है कोस्टल रीजन में, जैसे कि पोरफायरा, एलरीना, वुलवा, क्लोरेला एंड कॉडियम, ठीक है। ये सारी जो हैं भोजन के रूप में यूज़ की जाती हैं। पोरफायरा जो कि रेड एल्गी है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ठीक है, और ये कॉमन फूड है। जापान का, चाइना का, ब्रिटेन और अदर कंट्रीज़ में भी कॉमन फूड के रूप में यूज़ किया जाता है पोरफायरा, ठीक है, रेड एल्गी है, याद रखिएगा। अ सॉल्टी कन्फेक्शन कॉमनली नोन एज ड्यूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम रोडिमेनिया पालमेटा, ठीक है। ये जो एल्गी है रोडिमेनिया पालमेटा, इससे एक नमकीन मिठाई ऑप्टेन की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा नमकीन होता है और थोड़ा मीठा होता है टेस्ट में, जिसको ड्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ड्यूल्स जो है इस एल्गी से रोडिमेनिया पालमेटा से ऑप्टेन किया जाता है। फूड ऑप्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया सैकेरिना इज़ नोन एज कॉम्बू, ठीक है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। कॉम्बू लैमिनेरिया सैकरीना से ऑप्टेन किया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। क्लोरेला इज़ यूजफुल इन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी सारे एग्जाम में कि कौन सी एल्गी है जिसको स्पेस फ्लाइट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरेला जो है स्पेस फ्लाइट में यूज़ किया जाता है, और ये ऑक्सीजन रीजनरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। क्लोरेला जो है इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्लोरेला जो है काफ़ी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, इसकी वजह से स्पेस फ्लाइट में क्लोरेला यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑक्सीजन रीजनरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एल्गी एज फोडर, फोडर के रूप में भी एल्गी यूज़ किया जाता है, मतलब जानवरों का जो चारा होता है तो जानवरों को भी खिलाने के लिए एल्गी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्यूकस, लैमिनेरिया, सार्गेसम और एस्कोफाइलम जो है फोडर के रूप में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में भी एल्गी का रोल है, जैसे अगार अगार, ठीक है, ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एगरोज और एग्रोपैक्टीन से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, एकेंथोपेल्टिस और कॉन्ड्रस, इन एल्गी से ये ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है। मेनली जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया याद रखिएगा आप, ठीक है, रेड एल्गी हैं, इनसे अगार अगार ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद है कैरेजिनम, जो कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस स्पीसीज से ऑप्टेन करते हैं। एल्जीनेट, जो कि एल्जीनिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैमिनेरिया फ्यूकस मैक्रोसिस्टिस, ठीक है। एल्जीनेट जो है एल्जीनिक एसिड का सॉल्ट है, जो कि लैमिनेरिया फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस से ऑप्टेन किया जाता है। एल्जीनेट इज़ यूजफुल एज थिकनर, इमल्सीफायर एंड जेलिंग एजेंट, ठीक है। जो एल्जीनेट है ये साबुन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सॉस बनाने में, क्रीम बनाने में, ठीक है, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है थिकनर के रूप में। उसके अलावा ये इमल्सीफायर और जेलिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर है डायटोमाइट, डायटोमाइट जो है ये डायटम से बनता है, ठीक है, यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ कार एंड सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर्स, टूथपेस्ट एंड पेंट, ठीक है। ये कार और सिल्वर पॉलिशिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा टूथपेस्ट और पेंट बनाने में भी डायटोमाइट का यूज़ किया जाता है। फिर है फ्यूनोरी, फ्यूनोरी जो है ये एक तरीके का गोंद है, ग्लू है, ठीक है, जो कि ग्लोयोपेल्टिस फरकेटा से ऑप्टेन किया जाता है। उसके बाद एल्गी जो है मिनरल्स में भी यूज़ किया जाता है, मतलब एल्गी से मिनरल्स भी ऑप्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्राउन एल्गी जो है काफ़ी रिच होता है सोडा, पोटास, आयोडीन और एल्जीनिक एसिड, ठीक है।
ब्राउन एल्गी जो है, ब्राउन एल्गी में सोडा, पोटास, आयोडीन, एल्जिनिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। तो ये ब्राउन एल्गी जो है मिनरल का सोर्स है, ठीक है। जैसे कि लैमिनेरिया जो है उसे आयोडीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, और एल्जिनिक एसिड तो इनके सेल वॉल में प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। उसके अलावा सोडा और पोटास भी पाया जाता है। फिर है एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर के भी रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, ठीक है, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की एबिलिटी रखती हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला आर मेन सोर्स ऑफ एल्गल बायो फर्टिलाइजर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, जो मेन सोर्स है एल्गल बायो फर्टिलाइजर के वो है ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला, ठीक। सीवेज के डिस्पोजल में भी एल्गी का रोल आता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, यूग्लेना, क्लोरेला, सेनिडेस्मस, ये सारी जो हैं सीवेज डिस्पोजल में इस्तेमाल की जाती हैं। एल्गी एज एंटीबायोटिक्स एंड इन मेडिसिन। तो जिस तरीके से बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कराया जाता है, उसी तरीके से जो एल्गी है वो भी एंटीबायोटिक्स जो है सिंथेसाइज करती हैं, जैसे कि क्लोरेला, क्लैडोफोरा और लेमिनेरिया, ये एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करती हैं। जो पहला एंटीबायोटिक था जो कि एल्गी से सिंथेसाइज, एल्गी से ऑप्टेन किया गया था, वो था क्लोरेलिन, ठीक है, और ये क्लोरेला से ऑप्टेन किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो एंटीबायोटिक था जो कि एल्गी से ऑप्टेन किया गया था वो था क्लोरेलिन, ठीक है, क्लोरेला से ऑप्टेन किया गया था। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकोसोई एंड एंटी हेलमिंथिक ड्रग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ रेड एल्गी डिजेनिया सिंप्लेक्स, ठीक है। डिजेनिया सिंप्लेक्स जो है ये एक रेड एल्गी है और इससे एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग प्रिपेयर किया गया जिसका नाम है सेकोसोई, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा एल्गी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ एल्गीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के वाटर का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एल्गी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा कुछ एल्गी जो है एक्सपेरिमेंटल फील्ड में भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि एसिटेबुलेरिया, क्लोरेला, ये सारी जो एल्गीज हैं इनको एक्सपेरिमेंट फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए। फिर एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस फॉर्म एल्गल ब्लूम्स इन वाटर, ठीक है। एल्गल ब्लूम्स में एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस का मेन रोल होता है। एल्गल ब्लूम्स क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी, आपने नदियों तालाबों को के पानी को देखा होगा, तो देखने में वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का दिखाई देता होगा, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा जब पानी जो है ग्रीन कलर के एल्गी से ढक जाता है, तब हम कहते हैं कि ये जो पानी है इसमें एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और उस एल्गी और एल्गल ब्लूम में मेनली एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस जो है रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि जो गंगा जी का पानी है वो हरा हो गया है, ठीक है। वो हरा इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन हो गया है। मेनली माइक्रोसिस्टिस जो है उसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त गंगा जी का पानी जो है हरा हो गया है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी होता है क्योंकि एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है जब पूरा का पूरा वाटर सरफेस कवर्ड हो जाएगा एल्गी से, तो जो सनलाइट होती है वो अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से जो अंदर पानी के अंदर जो जीव होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती, उनके लाइफ के प्रोसेस जो है नहीं हो पाती है कंप्लीट अच्छे से, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो एल्गल ब्लूम जो है काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, काफ़ी डेंजरस होता है वाटर एनिमल्स के लिए, ठीक है, जो वाटर में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उन सब के लिए। उसके बाद है टेट्रेडो टॉक्सिन। ये एक टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस होता है गोनियो लैक्स कैटेनिला से, ठीक है। इस एल्गी से टेट्रेडो टॉक्सिन जो है ये एक टॉक्सिक है जो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए, क्योंकि इस एल्गी को फिश खा लेती हैं, ठीक है, मछलियाँ इनको खा लेती हैं, और फिर अगर उस मछली को ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन में ये जो टॉक्सिन है वो उनके बॉडी में एंटर कर जाता है और ह्यूमन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि डेंजरस होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एल्गी कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे
फंजाई के बारे में. थैंक यू सो मच गाइस टू कनेक्टिंग विथ मी. थैंक यू.